हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीदें अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इक्विजन के DVR या आपके पास NVR है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो आपके लैपटॉप या PC से। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले से इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, बट मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर ये जो आप सॉफ्टवेयर है ये प्रॉपर वर्क नहीं करता या ये बहुत स्लो चलता है। तो दोस्तों, अगर ये जो पहले वाला सॉफ्टवेयर है आपके लैपटॉप या PC में सही से नहीं चलता, तो ये वाला जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेस्ट है। ये मैंने खुद भी ट्राई किया है, एक दो मेरे जो सिस्टम है उसके ऊपर भी हमने इसे इंस्टॉल करके देखा है, तो ये प्रॉपर वर्क करता है। अगर वो वाला सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं करता तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में, ढेर सारी बातें, इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इससे हम प्लेबैक वगैरह रिमोटली अपने लैपटॉप से ही कैसे देख सकते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके पास है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपके DVR से प्लेबैक वगैरह देखने के, आप कहाँ से भी प्लेबैक वगैरह सारा सब कुछ इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में ढेर सारी बातें। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल GI में। DVR या NVR लैपटॉप पे या PC पे एक्सेस करने से पहले हमें एक DVR है आपके पास, NVR है, उसमें एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है। आपको जाना है सिस्टम में और यहाँ पे एडवांस में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लेटफॉर्म एक्सेस, और यहाँ पे आपको ये वाला जो फंक्शन है वो अनेबल कर देना है। दोस्तों, आपके पास NVR हो या DVR हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेटफॉर्म एक्सेस ये हर एक इक्विजन के DVR में रहता ही ये ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अभी ऑफलाइन था, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आ जाएगा। देखिए, ये ऑनलाइन आ गया है। अगर समझो ये स्टेटस आपका ऑनलाइन नहीं आ रहा है तो आप एक बार क्या कीजिए कि आपका जो DVR है और आपका जो वाईफाई का राउटर है उसके बीच में जो लैन कनेक्शन है वो एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर ये ऑनलाइन नहीं आता है तो। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इक्विजन से ही सीधा डाउनलोड कर लेता हूँ। हाई लुक करके सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, हम इंस्टॉल करके भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो ये साइड ओपन हो रही है, देखिए आपको डाउनलोड करना है ये वाला, नहीं ये वाला सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, देखिए जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, मैं सीधा डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लूँगा इसको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये डाउनलोड हो रहा है, यस देखिए ये वाली फाइल हो गई है डाउनलोड, तो इसे इंस्टॉल कर लेंगे हम। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अभी इसे क्या नेक्स्ट 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 करना है, बहुत आसान है इंस्टॉल करने के लिए भी। देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है, आपको खाली दोस्तों प्लेटफॉर्म एक्सेस जो सेटिंग है वही ध्यान में रखनी है। तो वहाँ पे जाके आपको खाली ऑनलाइन करना है, जैसे ये स्टेटस आपका वो जो मैंने बताया वो स्टेटस ऑनलाइन आता है तो आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो वो स्टेटस खाली आपको ऑनलाइन लाना पड़ेगा। देखिए वो भी गया, यस फिनिश कर देता हूँ और ये सॉफ्टवेयर अपन लोग ओपन कर लेंगे, ये यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। तो खाली दोस्तों प्लेटफॉर्म एक्सेस सेटिंग आप याद में रखना, DVR कौन सा भी हो सब DVR में होता ही है इक्विजन के, और उसी में आपको ये सेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे मैं एक नाम वगैरह ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है, और ये जो पासवर्ड रहेगा दोस्तों ये रहेगा खाली सॉफ्टवेयर के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 12345@, और ये यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ। ये ID पासवर्ड खाली इस सॉफ्टवेयर के लिए रहेगा, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। देखिए हो रहा है, ओपन हो रहा है, और इस सॉफ्टवेयर से दोस्तों मैं दो तरीके से आपको ऑनलाइन करना सिखाऊंगा। देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, ऐसा कुछ इसका यूज़र फेस है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर सेम कनेक्शन है तो कैसे ऑनलाइन करना है। अगर आपको DVR आपका अलग सिटी में और आपको अलग सिटी से उसको एक्सेस करना है लैपटॉप के थ्रू, वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको लाइन टू लाइन कैसे करना है वो बताऊँगा। अगर कनेक्शन सेम ही है आपका, ये DVR का और आपका इंटरनेट सेम है, तो देखिए अगर ऐसा है तो सीधा यहाँ पे ये सर्च हो जाता है, तो आपको खाली ये सिलेक्ट कर देना है, नीचे देख सकते हो आप यहाँ पे ये ऑप्शन है ऐड, ये ऑनलाइन डिवाइस के ऊपर आ ही जाता है। ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं एक निकनेम डाल देता हूँ GI LAN, और यहाँ पे एडमिन लिख देता हूँ, ज़्यादातर यूज़र नेम एडमिन ही रहता है, अगर आपने अलग डाला तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड, यहाँ पे हमें पासवर्ड फिल कर देना है जो भी आपके DVR का पासवर्ड है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो DVR या आपके NVR का पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल करना है आपको। तो मैं मेरे DVR का जो भी पासवर्ड है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ,
आपको ये पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है, और जैसे आप ये पासवर्ड डाल देते हो आपको ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर ऐड हो गया है, और यहाँ पे देखिए इस सर्कल में अगर रेड डॉट है तो ये ऑफलाइन है, अगर ऐसा दिख रहा है तो ये ऑनलाइन ही है। तो देखिए ऑनलाइन तो आ गया। अब इसे देखना कैसा है, अगर आपको इसे देखना है तो देखिए मेन्यू पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे सेटिंग है। और एक बात दोस्तों, ये बहुत ख़ास बात है, ठीक है, अगर आप देखिए ऐड भी कर ले तो बहुत बारी कैसा होता है कि सॉफ्टवेयर में कैमरा दिखता नहीं है। देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कैमरा दिख नहीं रहे, ये कुछ की के बारे में पूछ रहे। देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आई है की के लिए, तो मैं बताऊँगा दोस्तों कि आपको कैसे और कब फिल करनी है और कहाँ से फिल करनी है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए, और यहाँ से एक कैमरा सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और देखिए ये कि यहाँ पे डालनी है दोस्तों, स्ट्रीमिंग की हमें डालनी है। और ये स्ट्रीमिंग की कहाँ पे होती है, तो ये स्ट्रीमिंग की दोस्तों यहाँ पे होती है, प्लेटफॉर्म एक्सेस में भी होती है। वेरिफिकेशन कोड मतलब ये वो की है, तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये, और इसे कॉपी टू ऑल कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार सारे कैमरास को डालने ना पड़े। अभी देखिए दोस्तों एक्सेस हो जाएगा, सारे कैमरा तो आ जाएगा ऑनलाइन। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सारे कैमरा ऐड करके दिखाता हूँ आपको। बहुत आसान सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आप आराम से इसको कर सकते हो, और इस सॉफ्टवेयर की लिंक वगैरह भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, या आप सीधे सर्च भी कर सकते हो हाईलूप सॉफ्टवेयर, तो ये सीधा आ भी जाता है। देखिए सारा कैमरा ऐड हो गया है, और इसके बाद हम जानेंगे कि इसे कैसे एक्सेस कर सकते हो आप बाहर से, मतलब आपका एक शहर में DVR है और आप अलग सिटी में, तो इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इंडिया में सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया, ओके, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको ID पासवर्ड फिल करना है। अगर आपको नहीं पता है ID पासवर्ड कैसे फिल करना है, तो मैं इसकी भी लिंक दे दूंगा, आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कि ये ID पासवर्ड कैसे बनाना है। बहुत आसान है दोस्तों, आपके खाली 2 मिनट जाएगा, 2 मिनट में बन जाता है ID पासवर्ड। देखिए हो गया, 2 मिनट में दोस्तों ID पासवर्ड बन जाएगा दोस्तों, आराम से आप बना सकते हो। ये मोबाइल फ़ोन से भी हो जाता है, इसके लैपटॉप ही चाहिए ऐसा नहीं है, फ़ोन से भी आप ये ID पासवर्ड बना सकते हो। जैसे और जैसे हमने ऐड किया, तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, या ऐड हो गया है, और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो। इसको हमारा जो ऑनलाइन क्लाउड अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो गया है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे तो अपना लैन वाला, और यहाँ पे है अपना ऑनलाइन वाला। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों की पूछ रहा है, बट यहाँ पे आपको एक ही बार डालना पड़ेगा की। यहाँ पे सारे कैमरे को ना कॉपी करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। मैं ओके कर देता हूँ, शायद 7 डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 डाल के यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए आ गए सारे कैमराज, आ गए बिल्कुल ऑनलाइन दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि बाद में समझ में आए कि लैन वाला कौन सा है, ऑनलाइन वाला कौन सा है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ से आप इसके जो ग्रुप के नाम है वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसे ओके कर देते हैं हम। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाला लैन वाला है, और नीचे वाला अगर अकाउंट जो है मैंने ऐड किया है, अगर मैं किसी और शहर से सिटी में हूँ तो यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। दो तरीके से देखिए हम एक्सेस कर सकते हैं कैमराज, और यहाँ पे मैं हूँ दोस्तों, यस। और उसके बाद हम जानेंगे कि प्लेबैक कैसे देख सकते हैं। DVR के पास, NVR के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रिमोटली प्लेबैक देख सकते हो सीधे सॉफ्टवेयर से, कहाँ पे भी हो आप देख सकते हो प्लेबैक। देखिए खाली सर्च करना है, जैसे आप सर्च करते हो कैमरा सिलेक्ट करके, जो भी कैमरा आपको चाहिए आपको प्लेबैक दिख जाता है। ऐसे आप इसे ड्रैग कर सकते हो और प्लेबैक देख सकते हो, बहुत आसान है दोस्तों, इतना आसान है ये, और सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा चलता है ये। अगर ये नहीं चल रहा है आपके यहाँ पे, अच्छा तो दूसरा ऑप्शन तो ये है ही हमारे पास, 2 सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आपको ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ये वाला नहीं तो वो वाला।
अगर दोस्तों आपके हो कोई क्वेश्चन या डाउट इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके साथ दोस्तों मुझे कमेंट में ये भी बताना कि ये वीडियो कैसे आपको लगा। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। जय हिंद।